न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रही जुबानी जंग खुलकर सबके सामने आ चुकी है और इसी बीच बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर सरकारी अफसरों की शिकायत की है। इस हल्फनामे में सिसोदिया ने कई मुद्दों को लेकर लिस्ट किया है और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अपने हल्फनामे में कहा कि अफसर मीटिंग में ही नहीं आते और हमारा कॉल भी नहीं उठाते, मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए साथ ही चुनी हुई सरकार के साथ उदासीनता का व्यवहार करते हैं। और सिसोदिया ने हल्फनामे में कहा कि ये सारी समस्या जो है वो पहले भी थी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या और विकट हो गई है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी चुनी हुई सरकार के बीच किसी भी तरह के सहयोग पर दंडित करने की मांग की जाती है और सरकार के प्रति असंतोष को प्रोत्साहित किया जाता है। और गौरतलब है कि वीके सक्सेना ने मई 2022 में उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच ही कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है और यह हल्फनामा दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण है इस पर केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के बीच जो विवाद के संबंध में दायर किया गया है। और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ही प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे पर कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। हल्फनामे में कहा गया है कि अफसर बैठक में ही भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस हल्फनामे में क्या कुछ कहा गया है, अफसर बैठक में तो भाग लेते ही नहीं हैं और साथ ही मंत्रियों के टेलीफोन कॉल का जवाब भी नहीं देते हैं। और अधिकारी मामले में भी आधिकारिक मामले पर अगर चर्चा करने के लिए जब नेता उन्हें कार्यालय बुलाते हैं तो वह वहां भी नहीं आते हैं। हल्फनामे में उदाहरण देकर बताया गया है कि प्रमुख सचिव ने उप मुख्यमंत्री की कॉल लेने या फिर किसी कार्यालय में वित्त विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया है और बीजेपी ने गुरुवार को वचन पत्र जारी करते हुए दिल्ली की जनता से जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया है। और बीजेपी का वचन पत्र जारी करते हुए पार्टी के नेता आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वचन पत्र जारी किया और बीजेपी ने अपने वचन पत्र में लिखा है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना हमारी प्राथमिकता है और हर घर को नल से पानी देंगे और हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देंगे। एमसीडी चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी कैंपेन लॉन्च करेंगे और बुधवार को ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की और केजरीवाल की 10 गारंटी कैंपेन की इस बैठक में जानकारी दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए 10 गारंटी देंगे। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन की जो रेलवेंट जमानत है उस पर याचिका आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने ही उन्हें इस मामले में इंटरिम बेल दे दी थी और इसी को लेकर जैकलिन आज कोर्ट में ही पेश हुई हैं। और वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलिन की रेगुलर जमानत याचिका विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि एक्ट्रेस ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया और सबूतों के सामने आने पर ही खुलासा किया। ईडी ने यह भी मेंशन किया है कि जैकलिन को सुकेश से मिलने के 10 दिनों के भीतर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया था और वो कोई साधारण नहीं है बल्कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनके पास काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। और 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में बंद है और सुकेश पर आरोप है कि उसने रसूखदार लोगों सहित कई लोगों के साथ ठगी की है और 17 अगस्त को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें जैकलिन को भी 200 करोड़ रुपए की वसूली केस में आरोपी पाया गया था
और इसमें कई गवाहों और सबूत को आधार पर बनाया गया था और इसके बाद अदालत ने उन्हें समन भेजा था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद जैकलिन के वकील ने उनकी जमानत की याचिका दायर की थी और इस केस को लेकर ही ईडी कई बार जैकलिन से पूछताछ कर चुकी है और इस मामले में जैकलिन ने बताया है कि वो सुकेश के साथ शादी करना चाहती थी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से भी जैकलिन से 15 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। सपा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी प्रक्रिया जो है उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करे और इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवम्बर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आजम खान को रामपुर कोर्ट ने ही भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई और सपा नेता ने इस आदेश को सेंशन कोर्ट के ही चुनौती दी है और इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। और वहीं इस बीच दोषी ठहराए जाने के बाद सपा नेता विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है और रामपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था और जिस मामले में आजम खान को ये सजा हुई है वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है और कथित रूप से ही आजम खान ने रामपुर की मिलत विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी और इसकी शिकायत करने के बाद ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने भी की थी और इसी मामले में रामपुर की SP और MLA कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है। और इसी खबर पर यूपी से ब्यूरो चीफ दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, रामपुर में चुनाव को लेकर बड़ा निर्देश दिया गया, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। देखिए, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर चुनाव आयोग से लेकर सरकार को आदेश किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक बात बोली है कि आजम खान के केस में बहुत जल्दबाजी की गई है, थोड़ा रुकें, सब्र करें। तो इसको लेकर के आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ है, उसमें निर्वाचन आयोग ने रामपुर चुनाव में 10 नवम्बर को सूचना जारी होने वाली थी, वो अगले आदेश तक न जारी करने का निर्णय किया गया है। सपा नेता आजम खान की केस में जो है सुनवाई होनी है आज, आजम खान केस में आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, आजम खान की अपील पर सुनवाई होनी है, 15 नवंबर की होने वाली सुनवाई आज होगी। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई आज होनी है। इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, MP MLA ने 27 अक्टूबर को सुनाई थी 3 साल की सजा, उसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है फैसला करेगा। और आजम खान के मामले में सरकार से लेकर के आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दो टूक ये बात कही है कि बहुत जल्दबाजी की गई है, थोड़ा रुक जाए। इसको लेकर के आज आजम खान के मामले पर सुनवाई होनी है और 28 अक्टूबर को जो उनकी विधायकी विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की थी, शायद उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसमें राजनीति कितनी गर्माती हुई नजर आ रही है दानिश? देखिए, उत्तर प्रदेश के गलियारों में जब भी कोई विधायक या सांसदों से जुड़ा जब कोई मामला होता है, चाहे वो किसी पार्टी की बात की जाए, तो वो राजनीतिक मुद्दा बनता ही है। इसीलिए MP MLA कोर्ट बनाया गया है, यानी MP MLA कोर्ट में विधायक और सांसदों के जो मामले होते हैं उसी कोर्ट में होते हैं। इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया कि आजम खान के मामले में जो अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा रुक जाए। दो टूक सरकार को भी कहा, दो टूक चुनाव आयोग को भी कहा कि जल्दबाजी ना करें। और आज आजम खान के मामले में सुनवाई होनी है और सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही करें सुनवाई। आगे सुनवाई सेशन कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो सपा के जो पूर्व सांसद हैं आजम खान से क्या सुनवाई करता है, उनके पक्ष में निर्णय आता है या सरकार को दो टूक जवाब दिया जाता है या चुनाव आयोग को हलफनामा दिया जाता है, जो कुछ भी है वो आज सेशन कोर्ट में तय होगा। ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है जिस पर राजनीतिक गलियारों का पूरा फोकस रहेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो BJP का हो और चाहे अन्य राजनीतिक दलों का हो। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी से जो काफी ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि
कद रखने वाले नेता है समाजवादी, और आजम खान का उद्बेलन भी हुआ है। आजम खान ने कई बार ये बात कही है। अखिलेश यादव का डेलीगेशन भी तय कर रहा है कि आजम खान को लगातार सरकार हटाया जा रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक केस में जमानत देते हैं और उधर दूसरा केस दर्ज हो जाता है, तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को जो तुरंत जवाब दे दिया है कि आज ही इसकी केस की सुनवाई करना है। अब इस सुनवाई में क्या निर्णय आता है पर उसके लिए कुछ पलों का देर है, इसके बाद अपडेट पता चलेगा कि आजम खान के फैसला पक्ष में आया है या फिर उनके विपक्ष। बिल्कुल दानिश, इसमें राजनीति में उथल पुथल जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। फतेहपुर जिले में आई यूपी सरकार के नगर निकास राज्य मंत्री का भारतीय दलित साहू राठौर महासभा के लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। और जहां स्वागत से गदगद मंत्री ने कहा कि इस बार नगर निकाय चुनाव में विकास के नाम पर अध्यक्ष जीतकर विकास की गंगा बहाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में ही निकट देना है और इसके साथ ही संगठन का काम है लखनऊ से चलकर ही बांधा जा रहे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर फतेहपुर शहर के ही लखनऊ बाईपास के पास भारतीय दलित साहू राठौर महासभा के ही मनोज गांधी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने 111 किलो का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। और स्वागत से गदगद राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि नगर निकाय चुनाव में टिकट देने का काम संगठन का है। आपको बता दें कि जिसको लेकर इस बार नगर निकाय चुनाव में विकास के नाम पर जीत पक्की है, ऐसा कह रहे हैं। चलिए रुक करते हैं आगरा की खबर का। आगरा में ही ताजमहल के 500 मीटर ही के अंदर लगने वाले दुकानों पर रोक लगा दी गई थी और जिसके बाद व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेशों को खत्म कर दिया है और ताजगंज व्यापारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद ही न्यायालय ने अपने आदेशों को वापस लेते हुए व्यापारियों के फेवर में आदेश दिया है। वहीं रोजी रोटी पर संकट आने के बाद गम में ही डूबे व्यापारियों के चेहरों पर इस फैसले की खुशी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर ताजगंज में ही जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं और साथ ही लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी हैं। और इसी खबर पर आगरा से संवाददाता आरके तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके तिवारी, सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला हुआ है ताजमहल के अंदर दुकान खोलने पर जो रोक लगी है, उसकी पूरी अपडेट बता दीजिए। जी सुमन, मैं आपको बता दूं, जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है एडीओ को जारी किए गए सभी नोटिस वापस लेने होंगे। न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल और अभय एफ ओक बेंच ने हमारी धरोहर संस्था और ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई की है। करीब एक घंटे तक बैठ चली। याचिका संख्या 13383/1984 MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में जनहित याचिका को जोड़कर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नीली रिपोर्ट और मांग ली थी। मैम आर के तिवारी जी, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ढोल नगाड़े के साथ ही जो लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर क्या कहना है? जी मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर उनकी जीत हुई है, जीत की खुशी मनाई जा रही है। और जो 500 मीटर की अवधि में उन पर रोक लगाई गई थी वो रोक हटा दी गई है। एडीओ को आदेश दिया गया है, मतलब रोक के जो भी आदेश है उनको वापस लिया जाए। जी आरके तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी अपडेट साझा करने के लिए।
लोकसभा उपचुनाव नामांकन के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और वहीं इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर को बैरिकेड किया गया है और साथ ही गेट नंबर 1 को प्रवेश द्वार बनाया गया है। आपको बता दें कि नामांकन स्थल तक केवल प्रत्याशी और प्रस्तावक को भी प्रवेश मिलेगा और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर को ही CCTV से लैस किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस भी तैनात रहेगी। SP ने पुलिस बल के साथ नामांकन स्थल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि 10 नवंबर से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन होना है। और इसी खबर पर मैनपुरी से संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कलेक्टर परिसर को बैरिकेड कर दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, अभी की अपडेट क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, लोकसभा उपचुनाव नामांकन के लिए प्रशासन ने लगभग तैयारियां उनकी पूर्ण हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट परिसर को किया गया बैरिकेड। वहीं आपको बता दें, गेट नंबर 1 को बनाया गया प्रवेश द्वार। नामांकन स्थल तक केवल प्रत्याशी और प्रस्तावक को ही मिलेगा प्रवेश। और जो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर को CCTV कैमरे से किया गया लैस। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल भी रहेगी तैनात। SP कमलेश दीक्षित पुलिस बल के साथ नामांकन स्थल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 10 नवंबर को लोकसभा का उपचुनाव होना है। जी जी, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, चुनाव नजदीक है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि हर दल ने सपा के गढ़, ये मैनपुरी जो रहा है वो सपा का गढ़ कहा जाता है, हर दल ने सपा के गढ़ को तोड़ने की कोशिश की है लेकिन सफलता किसी के हाथ नहीं लगी है। अब नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं, हालांकि उनको गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हालांकि 10 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था, लेकिन चुनाव विरोधी दल नेता की गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सपा भी नेताजी की विरासत वाली सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरेगी। जी जी अरुण यादव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी अपडेट के लिए। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिविल ड्रेस में एक महिला दरोगा का गाली देते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में महिला दरोगा द्वारा एक पक्ष के लोगों को गाली दिया जा रहा है और हालांकि इस संबंध में ही पुलिस के उच्च अधिकारियों का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। और कमलेश गुप्ता ने बताया है कि कैंट थाना अंतर्गत कूड़ा घाट के ही पास सुनार गली में उसकी घड़ी की दुकान साल 2010 से ही यहाँ पर है और साल 2012 में नोटरी बयान हल्फी कर मकान मालिक को ही 10 लाख रुपए एडवांस देकर बकायदा रजिस्टर एग्रीमेंट कराया था, लेकिन मकान मालिक और हम लोगों में दुकान खाली करने को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसको लेकर ही कुछ महीने पहले मैंने न्यायालय में एक मुकदमा किया था जो अभी विचाराधीन है और न्यायालय द्वारा मुझे दुकान खोलने की अनुमति भी मिली है और इसी बीच दुकान खाली कराने के लिए विगत 6 तारीख की रात को ही दुर्गेश, चिंटू और कक्कू दुकान में पहुंचे और दुकान का सारा सामान गले में रखा, पैसा लूट लिया और इसके साथ ही गैस कटर मशीन से दुकान के शटर का ताला काट कर अपना ताला लगा दिया और घटना की जानकारी होते ही एक लिखित तहरीर कैंट थाने पर दिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित व्यापारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि विगत 65 दिनों से दुकान बंद चल रही है और इसकी वजह से वो पूरी तरीके से सड़क पर आ गए हैं। घटना की जानकारी मैंने नंदा नगर पुलिस चौकी पर लिखित तौर पर दिया था। नंदा नगर नगर चौकी इंचार्ज सुनीता जी मौके पर पहुंची और उनके सामने विपक्षियों ने गैस कटर मशीन से उनके शटर का ताला काटा और चौकी प्रभारी द्वारा व्यापारी को ही भद्दी भद्दी गाली दी गई है। कहा गया है कि दुकान खाली करा दो वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर गोरखपुर से संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, गाली गलौज का मामला सामने आया है जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या पूरी अपडेट है? तो धनेश, संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है, तो आपको गोरखपुर की खबर बता दें जहां पर गालीबाज दरोगा का वीडियो सामने आया है और पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुकान पर
कब्जा करने का भी मामला सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ना करने की जो मामला है वो सामने आया है। तो गोरखपुर की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर ये मामला सामने आया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लिखित तहरीर कैंट थाने में दिया गया था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित व्यापारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि विगत 65 दिनों से दुकान बंद चल रही है और इसकी वजह से ही पूरे तरीके से सड़क पर आ गए हैं। और घटना की जानकारी उन्होंने नंदा नगर पुलिस चौकी पर लिखित तौर पर दिया था। नंदा नगर पुलिस चौकी जो है, सुनीता जी मौके पर पहुंची और उनके सामने ही विपक्षियों ने गैस कटर मशीन से उनके शटर का ताला काटा और चौकी पर भारी द्वारा व्यापारी को ही भद्दी भद्दी गाली भी दी गई और कहा गया कि दुकान खाली कर दो वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत में यातायात पुलिस ने टैक्सी स्टैंड पर खड़े वाहनों के चालकों को इकट्ठे कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया है और साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने और सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करने को लेकर जानकारी दी है। और इसके अलावा यातायात के नियमों के संबंध में जागरूक करने के लिए पंपलेट भी बांटे गए हैं। सीतापुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और जिसमें जिले के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदान किया। और सीतापुर के ही उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री और बीजेपी नेता सागर गुप्ता ने पहुंचकर रक्तदान किया है। सागर गुप्ता ने लोगों को जागरूक किया और कहा कि रक्तदान महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। सागर गुप्ता ने बताया कि इस रक्तदान शिविर से लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई है, जिससे के बाद से ही परिजनों ने हंगामा काट दिया और परिजनों के हंगामे के बाद ही अस्पताल के जिम्मेदार अस्पताल छोड़कर भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हॉस्पिटल पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और यह हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। और यह भी बताया जा रहा है कि महिला को आशा बहू के माध्यम से इस हॉस्पिटल में लाया गया था और इस हॉस्पिटल में कई अन्य मरीज भी भर्ती थे जो आशा बहुओं के माध्यम से लाए गए। ACMO ने बताया है कि पूरे मामले में जांच कर आवश्यक विधिवत कार्रवाई की जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के केनाल रोड पर मौजूद एवन हॉस्पिटल में उस समय हंगामा मच गया जब एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि गर्भवती महिला शाहबाद कोतवाली इलाके के बिरोरी गांव की रहने वाली माधुरी पत्नी कौशल है और जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। लेकिन आशा बहू के माध्यम से ये महिला इस निजी अस्पताल में पहुंच गई थी और बताया जा रहा है कि यहां पर एक व्यक्ति के द्वारा गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और महिला की मौत हो गई। कॉलेज में भर्ती थी तो ये लोग गए, चार पांच लोग कहने लगे वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, वहाँ अच्छा है अस्पताल। तो हमने कहा हम नहीं ले जाएंगे, कहीं यहीं रखेंगे। बोले कि ले चलो, वहाँ लड़की भी अच्छी हो जाएगी, बच्चा भी अच्छा हो जाएगा। तो हमको ले गए, कार्ड आर्ड दिया तो हम वहाँ गए, हमारा ट्रीटमेंट किया, लिखा पढ़ी सबकी, पैसा जमा करा लिया और लड़की को अंदर बंद कर लिया। 3 घंटा बंद करे रहे कि अब आते हैं डॉक्टर, अब आते हैं डॉक्टर। फिर बाद में हमसे कहा कि ले जाओ इनको, रिफर कर दिया लखनऊ। अब अंदर ही मार दिया और बाद में कहते हैं रिफर कर दो। हम बालाजी चेकअप आके तो मिट्टी उन्होंने बता दी। ये मृतका माधुरी वाइफ ऑफ कौशल कश्यप बिरौरी ग्राम की रहने वाली शाहबाद की हैं। इनके पिताजी ने पुलिस को तहरीर दी है कि रात में इस मरीज को जिला अस्पताल से रेफर किया गया था लखनऊ के लिए, लेकिन वो लखनऊ न ले जा करके इसको यहीं लोकल में स्थित ये एवन हॉस्पिटल है जो कैनाल रोड सीडी ऑफ बंगले के सामने स्थित है, यहाँ पे लेकर के आए। यहाँ पर उसका जो भी इलाज हुआ, जिसके क्योंकि अभी मुझे पेपर देखने को नहीं मिले हैं, यहाँ पे चिकित्सालय में जब से मैं आया हूँ कोई भी स्टाफ या डॉक्टर या पैरामेडिकल कोई भी नहीं है,
ना ही कोई पेपर ऊपर देखने को मिले हैं, तो उसकी जानकारी नहीं हो पाई कि क्या ऑपरेशन हुए। इसके अलावा मैंने अन्य तीन मरीज हैं जो कि तीनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही आए हैं यहाँ और आशाओं द्वारा लाए गए हैं, तो इनसे भी बात की, इनके भी सीजरियन सेक्शन हुआ है। हालांकि मरीज तीनों स्टेबल हैं और तीनों बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है अभी, हम मैं देखता हूं, नहीं तो फिर इन मरीजों को फिर जिला अस्पताल शिफ्ट करेंगे हम लोग। इनके रजिस्ट्रेशन मैंने अभी सीमा ऑफिस में चेक करवाया है, तो इन्होंने अप्लाई किया था लेकिन मानक पूर्ण ना होने के कारण का रिजेक्टेड है इनकी अप्लीकेशन, इनका इस समय रजिस्टर्ड नहीं है। ये अभी पूरी जांच करेंगे और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदा में नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपा रंजन ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया और साथ ही सभी डॉक्टर की उपस्थिति पाई गई है और डीएम ने डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया और जिसमें बाहर से दवाइयां लिखने को लेकर शिकायतें मिली, जिसमें जिलाधिकारी ने नाराजगी भी जताई है। होराबार थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता आज कमिश्नर कार्यालय पर फरियादी लेकर पहुंची थी और उसी समय रंजीत बस दो आरोपी पहुंचे और जिसमें एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, दूसरा फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मिलकर युवती को पीटने लगे, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा होते ही एक अभियुक्त फरार हो गया जबकि दूसरा एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और युवती ने बताया कि वो कमिश्नर कार्यालय पर फरियाद लेकर पहुंची थी, तभी ये दोनों पहुंचे और असले के सामने ही बल पर मुझे पीटना शुरू कर दिया। साथ ही पीड़ित ने बताया कि दबंग एकजुट होकर पुरानी रंजिश को लेकर ही मेरे घर पर चढ़कर मारने पीटने लगे और गाली और सामान तोड़फोड़ किया और जिसकी जानकारी देने पर ही कमिश्नर कार्यालय देने पहुंची थी और अचानक इन दबंगों ने हम पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा मौके से फरार में होने में सफल रहा है। घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडड़ा क्षेत्र के गांव लतुर्रा की है, जहां पर शाम को नवाब सिंह फैक्ट्री से अपने घर जा रहा था और तभी गांव के एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोगों ने नवाब सिंह को पकड़कर जमकर लाठी डंडों से पीटा और घायल कर दिया। सूचना मिलते ही थाना टुंडला और नगला सिंघी पुलिस माइक पर ही पहुंच गई और आनन फानन में घायल सहित अन्य दो लोगों को पकड़कर थाने ले आई। वहीं घायल व्यक्ति नवाब सिंह ने बताया है कि गांव के एक ही परिवार के पांच लोगों ने उसके साथ बिना किसी कारण के लाठी डंडों से मारपीट की और राजू नामक व्यक्ति ने फायरिंग भी की है और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि फैक्ट्री मालिक ने उसे 1,00,000 रुपए दिए थे जिसमें उसने 16,000 रुपए मजदूरों को दे दिए थे, बाकी 84,000 रुपए उसकी जेब में थे जो मारपीट के दौरान गायब हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायल का टुंडला के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल का मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। चार भाई थे, उनका लड़का था, पांच जने थे, कछु मेरी जेब में पैसा है, एक लाख में तुम्हारे 15,000-16,000 रुपया बांट दे, वे मालिकन दे, बार बार के भी ने छेड़ का है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ही बलरामपुर पुलिस जो है कार्रवाई करने में लगातार जारी है और जिले के देहात थाना और क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से ही लूटी गई मोटरसाइकिल और अन्य अवैध असले बरामद किया है और SP ने लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है। हम आपको बताते चले कि पिछले दिनों बैरही पुल के पास से मोटरसाइकिल बुलेटना लूटी गई थी और जिसकी तलाश और वंचित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु देहात पुलिस टीम गश्त पर थी। बैरही पुल के पास थाना कोतवाली देहात में दीपेंद्र मिश्रा से एक मोटरसाइकिल पल्सर 3 बदमाशों द्वारा लूट ली गई थी। इस घटना के अनावरण में हमने CHT के नेतृत्व में हमारी थाना की टीम और स्वाट टीम लगी हुई थी, के लोग भी लगे हुए थे और
इस सूचना पर कल रात एक पुलिस मुखिया भी जिसमें दो बदमाश, एक बदमाश उसमें गिरफ्तार हुआ और एक बाद में उसकी निशादेही भी गिरफ्तार हुआ, एक बदमाश भागा है और इनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो घटना में हुई मोटरसाइकिल है वह भी बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।